छोटा सा दृष्टांत श्रवण करिएगा। एक राजा था, वो अपने राज्य में ऐलान कर दिया क्या कि मेरे तीन सवाल का जवाब जो दे देगा मैं उसे अपनी आधी राज्य दे दूंगा। उस राज्य के मंत्री ने सुना, मंत्री ने कहा इतनी छोटी सी बात तीन सवाल, अरे आपके प्रश्नों का उत्तर तो हमारे यहाँ का घसियारा दे देगा जो घास काटता है। राजा साहब चिंता में बैठ गए, बोले ले आइए अपने घसियारे को। महाराज मंत्री घसियारे को बुलाते हैं, घसियारे से कहते हैं भैया तीन सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। घसियारा कहता है महाराज मैं तो महामूर्ख अज्ञानी हूँ, मैं कैसे सवाल का जवाब दूंगा। मंत्री ने कहा प्रयास करो, प्रयास करने वाले कभी हार नहीं मानते हैं प्यारे। अब घसियारे को दरबार में पेश किया गया, ध्यान से सुनिएगा, सभा लगी हुई है, बड़े बड़े धुरंधर राजा बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, महाराज बैठे हैं। घसियारा फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहन करके गद्दी के नीचे जमीन पे हाथ बांध करके खड़ा है। राजा ने कहा घसियारे मेरे सवाल का जवाब देगा। घसियारा ने कहा महाराज कृपा हो जाएगी तो अवश्य दूंगा। प्यारे भक्तों महाराज कहते हैं घसियारा मुझे ये बता कि दुनिया में सबसे पहले आया कौन। घसियारा बोला महाराज इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मोती मंगानी पड़ेगी। राजा साहब मंत्री से कहकर के राजकोष से मोती मंगवाते हैं और पांच मोती घसियारा राजा के हाथ में दे दिया। बोला कि लो अब गिनो इसे महाराज। राजा साहब गिनते एक दो तीन चार पांच। घसियारा बोला ऐसे नहीं शुरू से गिनो, फिर गिनते एक दो तीन चार पांच, जो उठाते वही पहली हो जाती। घसियारा कहता शुरू से गिनो। महाराज ने कहा पागल हो गया, जो मोती उठा रहा हूं वही पहले। घसियारा मुस्कुराने लगा, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, जिस प्रकार ये मोती कोई पहली और आखिरी नहीं है वैसे मेरे परमात्मा का आने और जाने का नहीं, जब हम हैं तब भी वो हैं, जब हम नहीं थे तब भी वो हैं थे, और जब हम नहीं थे तब भी हैं, हैं तब भी नहीं रहेंगे तो भी वो रहते। राजा बहुत महाराज बड़े प्रसन्न हुए, महाराज मुस्कुराने लगे, बोले घसियारा मेरे दूसरे महाराज पूछिए। महाराज कहते हैं कि ये बता तेरे भगवान तेरे प्रभु मिलते कैसे हैं। घसियारा कहता महाराज कष्ट करने पड़ेंगे, क्या दूध मंगाना पड़ेगा। महाराज ऐलान करते हैं पतीले में दूध आता है। अब महाराज दूध भी आ गया तो घसियारा कहते हैं राजा साहब से महाराज इसमें से घी निकाल दो और मेरे हाथ में दे दो। महाराज कहते पागल हो गया बावरा हो गया है, अरे दूध से घी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तपाना पड़ेगा जलाना पड़ेगा मथना पड़ेगा तब घी निकलेगा। घसियारा मुस्कुराने लगा, महाराज आपके सवाल का जवाब मिल गया, महाराज आपके सवाल का जवाब मिल गया। राजा ने कहा मतलब? घसियारा कहता है महाराज जैसे दूध से घी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तपाना पड़ता है जलाना पड़ता है मथना पड़ता है, महाराज वैसे मेरे परमात्मा को पाने के लिए तपना पड़ता है जलना पड़ता है मथना पड़ता है, तब जाकर के मेरे ठाकुर जी कृपा करते हैं भक्तों, तब जाकर के मेरा कन्हैया कृपा करता है, ऐसे नहीं मिलता कन्हैया। बंधुओं जब हम साधु हुए थे मैंने चोले को पहना था तो बड़ी चिंता हो रही थी कि हम अभी मेरा, लेकिन गोविंद ने इतनी कृपा किया कि एक माँ को मैंने छोड़ा था तो अनेकों माँ का प्यार मिला, एक पिता को मैंने छोड़ा प्यार मिला, मुझसे बड़ा भाग्यकारी बच्चा कोई नहीं हो सकता भक्तों, कोई नहीं हो सकता।
तब बच्चे अपने माता पिता को भगवत सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं कि मेरे माता पिता हैं और मैं तो बड़ा भाग्यकारी बच्चा हूँ, स्वयं बैठ करके कथा गा रहा हूँ। आज घसियारे की बात सुनकर के राजा प्रसन्न हो गए। राजा कहते, महाराज कहते हैं, घसियारे